उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी के दो फेक वीडियो वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये वीडियो काफी तेजी से वायरल किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग वीडियो को एडिट करके उसे वायरल किया जा रहा है, जिसके अंदर पूरी तरीके से उसे एडिट किया गया है। हालांकि ये वीडियो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी के हर चुनाव के अंदर जारी किए जाते हैं और वायरल किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी की तरफ से कभी सख्त संज्ञान है वो लिया नहीं गया। लेकिन आज बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी खुद सामने आई और उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर एक बड़ी पोस्ट लिखी और पोस्ट लिखते हुए उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और चुनाव आयोग से मांग की कि इस मामले में सख्त कार्रवाई करें। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी के द्वारा सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर के ऊपर एक ट्वीट करते हुए लिखा, एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान आदि में मतदान पूर्व चाहे भाजपा जीत जाए किंतु कांग्रेस को नहीं जीतना चाहिए, जैसा विशुद्ध गलत व फर्जी वीडियो का कांग्रेस द्वारा प्रचारित करना दुर्भाग्यपूर्ण और उनकी हताशा का प्रतीक है। यह षड्यंत्र बीएसपी की मजबूत स्थिति को देखते हुए लोग सावधान रहे। कांग्रेस का इन राज्यों में अति मिथ्याचार जो प्रचार है वो जारी है, जबकि बीएसपी द्वारा चुनावी सभाओं में लोगों से वोट देने तथा विरोधी पार्टियों के शाम दाम दंड भेद आदि अटकलों से सावधान रहने की अपील की गई है, जो पार्टी की मजबूत स्थिति को देखते हुए कांग्रेस में बौखलाहट है। उसके अलावा आपको बता दें बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी ने एक ट्वीट और किया और उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि इस तरीके की जो भी वीडियो जारी हो रहे हैं उनके ऊपर संज्ञान लिया जाए और इस तरीके के कृत्य करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जाए। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती जी का एक वीडियो है और एक की नहीं बल्कि आज दो वीडियो सामने आए। एक वीडियो कांग्रेस की तरफ से जारी किया जा रहा है, दूसरा वीडियो आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से जारी किया जा रहा है। दोनों वीडियो की अगर देखने की कोशिश करें तो एक वीडियो तो पूरी तरीके से फर्जी है, उसमें कोई रत्ती भर भी एक तरीके से देखे तो जो सच्चाई नजर नहीं आती। एक वीडियो को तो पूरी तरीके से किसी टूल के जरिए या किसी ऐप के जरिए आवाज को भी चेंज करके वो किसी दूसरे की आवाज को वो बनाकर डाला गया है, और दूसरा जो वीडियो है वो वीडियो आधा सही है आधा गलत है, उसको बीच बीच में से काट काट के कट पेस्ट करके आपको बता दें कि उस वीडियो को दो तीन क्लिप को अलग अलग जो भाषणों के उनको जोड़कर उस वीडियो को बनाया गया है। यानी कि दोनों वीडियो में किसी भी प्रकार की कोई सच्चाई नहीं है, ये इसमें सत्यता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बीएसपी अध्यक्ष मायावती जी आकाश आनंद और तमाम नेताओं की तरफ से भी इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आई है। मिलेंगे अपडेटों के साथ, आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल।